Hello everyone, good morning. Today I'm going to teach the students of class 9 your first poem of the chapter. The name of poem is The Road Not Taken. It is a very good poem, very meaningful poem for everyone. This poem is written by Robert Frost. First of all, we will discuss the summary of this poem. This will help you to understand the lines of the poem. So, the summary I have written here, and I will make you understand. We continue. So, let's start. This poem. The name of the poem is The Road Not Taken. This poem is about making choices in life and the choices that shape our future. बहुत सारे पोएम हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे उसके अर्थ निकलते हैं, है ना? तो ये पोएम जो है ये हमारे जीवन पे आधारित है. पोयम हर स्टेप पे हम लोगों को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन जब लेते हैं उस समय पता नहीं होता है कि ये डिसीजन जो मैं लिया अभी वो आगे मेरे लिए सही होगा या नहीं, क्योंकि उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता है. तो वो डिसीजन लेने के ऊपर ये पोयम यहाँ पे है. तो बोलता है दिस पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये पोयम है जिसमें हम चॉइस बनाते हैं, चॉइस करते हैं, चूज करते हैं किसी चीज़ को इन लाइफ. अपने जीवन में बहुत ऐसे जगह आते हैं जहाँ पे हम चुनाव करते हैं, दो के बीच में, तीन के बीच में, चार के बीच में, है ना? और वो चुनाव हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है, एंड द चॉइसेस दैट्स शेप आवर फ्यूचर. और ये हमारे फ्यूचर को शेप करता है. Many alternative are available. बहुत सारे alternative का मतलब विकल्प, बहुत सारे विकल्प वहाँ होते हैं, मौजूद होते हैं. At the time of choice, जब हम किसी चीज़ को चुनते हैं, पसंद करते हैं, उस समय और भी विकल्प होते हैं. Suppose आप मार्केट जाते हैं जूता खरीदने के लिए, तो आप दुकानदार जो है आपको केवल एक जूता नहीं दिखाता है, और आप उसे एक जूता को लेकर के घर नहीं आ जाते हैं. वो जब आप दुकान में जाएंगे तो आपको 3, 4, 5, 6 जूते, 7, 8 से भी ज़्यादा दिखा देता है आपको, आप जिस तरह का डिमांड करेंगे. ऐसा नहीं कि आपको एक दिया और आप लेकर के आ गए, आप उस जूते को देखेंगे, आपको वो पसंद आएगा तो लेंगे, अदरवाइज आप दूसरा बोलेंगे कि नहीं हमको ये लाओ, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, वाइट नहीं चाहिए, गंदा हो सकता है. तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का चूज करना चाहते हो. तो आपके सामने बहुत सारा दिखाएगा वो, तो उनमें से आपको क्या करना है. बट मैन हैज़ टू सेलेक्ट वन. एक ही चूज करना है आपको, आपको सारा नहीं चूज करना है, एक आप चूज कर सकते हो. इट इज ओनली द फ्यूचर दैट विल रिवील वेदर द डिसीजन टेकन इज रॉन्ग और राइट. और जो आप चुनाव करेंगे उस समय, यही चुनाव आपके फ्यूचर को बतलाता है कि वेदर द डिसीजन, जो आप डिसीजन लिए हो वो सही है या गलत है. ये अभी तुरंत पता नहीं चलेगा आपको, वो आपको समय के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो मैं डिसीजन लिया था वो अभी सही साबित हो रहा है या गलत साबित हो रहा है, क्या सोच करके हमने लिया था, है ना? केवल डिसीजन ले लेना नहीं, उसके बदले उसको हम सोचते हैं कि हम ये लेंगे तो हम इस तरह का वर्क भी करेंगे, है ना? आफ्टर टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने के बाद, वी कैन नॉट अंडू देम. अंडू का मतलब होता है मिटा देना या नष्ट कर देना. मान लो कि हम कुछ चूज कर लिए, अब ऐसा नहीं कि हम उसको अब हटा, जैसे हम पेंसिल लिख दिए तो अब ये मिटा नहीं सकते हैं. बच्चों में पेंसिल दिया जाता है ताकि उसको मिटा सके, तो हम जो लिख दिए वो एक बार लिख दिया वो मिटेगा नहीं, उसको हम काट सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते. तो आफ्टर टेकिंग डिसीजन द वी कैन नॉट अंडू देम, हम वापस नहीं आ सकते, ठीक है? वी कैन ओनली रिग्रेट देम, हम केवल पछता सकते हैं कि जो डिसीजन हम लिया अगर सही हुआ तो हमारे फेवर में, अगर गलत हुआ तो हमारे अगेंस्ट में. इवन इफ,
यहाँ तक कि वी विश्ड वी कैन नॉट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, हम उसको फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, चाह करके भी दोबारा हम स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो डिसीजन ले गया ये वन टाइम होता है, जैसे कि हम एक रास्ते से अगर एक बार चले गए तो फिर उस रास्ते में हम दोबारा नहीं जा सकते, हम वहाँ से पास आउट हो चुके हैं, वहाँ से जा चुके हैं, अब हम उस पर वापस नहीं जा सकते। सपोज कोई व्यक्ति 18 साल का भी है तो सोचेगा मैं 17 साल की लाइफ वाला स्टाइल 17 साल वाला जीवन में चला जाए, वो मुश्किल है। अब 18 के बाद वो 19 की तरफ जाएगा, उस चाह करके भी 15 16 17 की तरफ नहीं आ सकता है, क्योंकि वो स्पेंट कर चुका है, बिता चुका है। तो वही होता है कि जो डिसीजन आपने ले लिया उसको आप मिटा नहीं सकते। सो टेकिंग द राइट डिसीजन एंड मेकिंग करेक्ट चॉइसेस, सही डिसीजन लेना और सही चुनाव करना इज वेरी क्रूशियल टू एन इंडिविजुअल लाइफ। ये एक बहुत निर्णायक होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, है ना। क्रूशियल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है निर्णायक, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ना, क्रूशियल किसी के भी लाइफ के लिए। एनी रॉन्ग डिसीजन और चॉइस कैन स्पॉइल आवर लाइफ, कोई भी एक ऐसा कदम, जो एक ऐसा चुनाव अगर हम गलत ले लिए तो हमारे पूरे जीवन को क्या करेगा, स्पॉइल कर सकता है, मतलब बर्बाद कर सकता है। एक डिसीजन कोई अगर गलत ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है कि नहीं, हमारे जीवन को पूरा ख़त्म कर सकता है। तो ये था आपका समरी, जब आप पोयम पढ़ेंगे, पोयम को मैं समझाऊंगा तो ये आपको ये बातें वहाँ पे आएगी, तो वो पोयम आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये सारांश पता चलेगा आपको कि किस चीज़ के बारे में पोयम को पढ़ेंगे, उसमें किस चीज़ पे वो पोयम पूरी तरह से रिवील करेगा, है ना। तो हम चलते हैं पोयम की तरफ। सो फर्स्ट स्टैंजा आपका कहता है, इसमें चार स्टैंजा में पोयम दिया है, हर स्टैंजा में आपके 5 लाइन है। तो सबसे पहले हम स्टैंजा 1 को डिस्कस करेंगे, आपके पास बुक्स है तो आप उसको खोल करके देखेंगे या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सारा लाइन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। टू रूट्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इट इन द अंडरग्रोथ। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है डाइवर्ज्ड, आप डाइवर्सन का नाम सुने होंगे, है ना, डाइवर्सन का नाम सुने होंगे आप। देखिए यहाँ पे सपोज दैट ये इस तरह का है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अब इसके सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ता इस साइड जाता है, एक रास्ता इस साइड जाता है, और यहाँ जो कवि खड़ा है, ये जो बोल रहा है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके सामने एक येलो वुड दिखाई, येलो वुड का मतलब हुआ द लीव्स ऑन द ट्रीज आर येलो सजेस्टिंग इट इज द ऑटोमन सीजन। सामने एक जंगल है जिसमें पीले पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पीले पत्ते कब होते हैं, जब पतझड़ के मौसम में वो पत्ते टूट करके गिर जाते हैं तो उस समय वो पतझड़ का मौसम होता है ना, उसी मौसम में बहुत सारे पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो टूट करके नीचे गिर जाते हैं। तो ये इस तरह के सिचुएशन में जो पोएट है यहाँ पे, ये पोएट खड़ा है ना। अब इसके सामने दो रास्ते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता पे वो चले, और विचार करता है इस रास्ते पे खड़े होकर के, ठीक है, पोएम में देखेंगे हम लोग। मतलब द पोएट हैज कम इन टू द डीप ऑटमनल वुड वेयर टू रोड्स हैव ट्रेवल्ड इन टू टू वेज लाइक अ फॉर्क। फॉर्क मतलब जानते चम्मच, तो मैंने भी बताया आपको कि उस तरह के दो रास्ते उसको दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इमिडिएटली द पोएट अंडरस्टैंड्स दैट एज अ ट्रेवलर ट्रेवलिंग बोथ द रोड्स इज इम्पॉसिबल। कभी ये सोच कर यहाँ पे जो खड़ा है वो बीच रास्ते पे, वो बोल रहा है कि
एक ट्रेवलर होने के नाते मैं दोनों रास्ते पर ट्रेवल तो नहीं कर सकता हूँ, उसको ट्रेवल एक ही रास्ते पे करना है। वो असंभव कार्य है कि एक आदमी दो रास्ते पे चल सकता है। हियर यहाँ पे आप देख रहे हैं द टू रोड्स सिम्बोलाइजेस, दो रोड्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये टू रोड्स ये सिम्बोलाइज कर रहा है। क्या सिम्बोलाइज कर रहा है? टू वेज टू गो इन लाइफ, जीवन जो हमारा है इसमें दो तरह के हमको रास्ते दिखाई दे रहे हैं। सपोज दैट कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो होता है वो 10th का एग्जाम पास करता है, उसके बाद उसके सामने जो है तीन रास्ते होते हैं। जब वो इंटर में जाने के लिए सोचता है तो उसको तीन रास्ते, वहाँ पे यहाँ पे दो रास्ते मैंने दिखाया, वहाँ पे जैसे होता है साइंस होता है ना, कॉमर्स होता है और आर्ट्स होता है, ठीक है। ये तीन सब्जेक्ट में से किसी एक का चुनाव कर सकता है और एक बार में दो सब्जेक्ट कभी नहीं चुन सकता है। तो इसी तरह का लाइफ चेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने कई बार आते हैं, और किसी को लगता है यहाँ पे खड़ा एक विद्यार्थी कि हम साइंस ले लेते हैं, हमको लगता है कि हम साइंस कर पाएंगे, कोई लगता है कि नहीं शायद साइंस हमसे नहीं होगा, हम कॉमर्स लेंगे, कोई लगता है कि नहीं हम आर्ट्स लेंगे, अपने प्लानिंग के तहत वो। और ये जो अभी डिसीजन ले लेगा ये बच्चा, जो आर्ट्स लिया, कोई साइंस लिया, कोई कॉमर्स लिया, वो जीवन भर फिर इसी के सहारे आगे बढ़ना है उसको। फिर वो चाहेगा कि हम कोई आर्ट्स लेकर के फिर वो वापस आकर के कॉमर्स पढ़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। हालांकि एक सब्जेक्ट को आप दो बार पढ़ सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक बार जो डिसीजन आपने लिया वो फिर आपके लिए वो सर्वमान्य हो गया, आप उसी के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर है आगे एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आइस टूर, एक ट्रेवलर होने के नाते मैं दो रास्ते पे चल नहीं सकता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब डेंस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब देखेंगे कि झाड़ी वाड़ी सब उगा होता है पूरा, जिसमें कभी कोई उधर से क्रॉस नहीं किया हो, ऐसा झाड़ी वहां पे दिखाई देता है। द पोएट फर्स्ट थाउट ऑफ ट्रेवलिंग बोथ रूट्स, पोएट जो है वो पहले सोचता है कि दोनों रास्ते पे क्यों नहीं हम चल सकते हैं, डिसीजन ऐसा लेना चाहता है कि हम दो रास्ते पे भी चल सकते हैं, देन डिस्कार्ड इट, फिर वो अपने आइडिया को ख़त्म कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देन ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ डायलेमा अबाउट द चॉइस ऑफ द रूट्स, अब वो भ्रम की स्थिति में आ जाता है कि कैसे हम चुनाव करें इसका। ही फाउंड दैट द फर्स्ट रोड हैज बेंड इन द अंडरग्रोथ, बस देखता है कि एक जो रास्ता, जो दो रास्ता में एक रास्ता जो दिख रहा है, जो दो रास्ता में जो एक रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये दो में से एक मान लीजिए कोई, उसको देखता है और देखता है कि डेंस अंडरग्रोथ है, मतलब एक तरफ झाड़ी ही झाड़ी है, और लगता है कोई इस रास्ते से पार अभी तक नहीं हुआ है। द अंडरग्रोथ हेयर रिप्रेजेंट द अननोन वर्ल्ड, यहाँ पे अपने लाइफ से तुलना करेंगे तो अननोन वर्ल्ड से, मतलब हम उधर कभी गए नहीं, हम जो काम कभी नहीं किया, हमको वो रास्ता को चुनने का मन कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, आप रिस्क ले रहे, हो सकता है अगर आप इसमें आप सक्सेस हो गए तो फिर आप इतिहास भी लिख सकते हैं, लेकिन आप फेलियर हुए तो सबकी तरह आप भी फेल हो जाएंगे। तो आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कोई बड़ा काम भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक रास्ते में झाड़ी दिखाई दे रहा, पूरा झाड़ी है ना, पूरा झाड़ी दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई अभी तक इस रास्ते से पार नहीं हुआ, मतलब एक ऐसा काम जो कभी ने किसी ने नहीं कर करना किया अभी तक, है ना। तो क्या मैं इस रास्ते पे चलूं, अगर चलूं तो मेरा डिसीजन कैसा होगा, ठीक है। अब अगले स्टेंजर में मैं आता हूँ।